स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा की छात्राओं ने शिक्षकों की प्रेरणा से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई। ओजस यूथ क्लब सहयोग से इन गणेश प्रतिमाओं को रंग रोगन कर स्कूल में रखा गया। विद्यार्थियों की यह पहल नगर भर में सराही जा रही है। इसकी वजह यह है कि पानी और पर्यावरण के लिए शिक्षकों ने विद्यार्थियों में जो अलग जगाई थी वह यहाँ पर सार्थक साबित हुई है। छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि नर्मदा नदी से लेकर अन्य तालाबों का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक कारण मिट्टी की बजाय प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी प्रतिमा है। इनके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। इन हालत में विशेष पहल की गई है। दरअसल पर्यावरण को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने की बजाय उन्हें व्यवहारिक रूप में लाना जरूरी है। इसी सोच के साथ एक दिन की कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को गणेश प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण उपरांत छात्राओं ने सुंदर प्रतिमाएं बनाई। प्राचार्य श्याम सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्रार्थना सभा में छात्राओं को प्रेरित किया गया था कि वे इको फ्रेंडली गणेश बनाने में अपनी रुचि दिखाएं तथा समाज में लोगों को जागरूक भी करें कि सभी लोग पीओपी की मूर्ति के स्थान पर इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना एवं पूजन करें, जिससे कि नदियां, जल स्रोत तथा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ओजस यूथ क्लब 2022-23 का शुभारंभ मिट्टी के गणेश जी के निर्माण से किया जा रहा है। यदि इस तरह छात्र छात्रा प्रेरित होते रहे तो निश्चित ही एक दिन हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था बच्चों को, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मार्केट में जो गणेश जी मिलते हैं और जो बच्चे खरीदते हैं वो पीओपी के होते हैं और उनमें जो कलर होता है वो केमिकल होता है, तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, हमारा पानी दूषित होता है। उसके लिए हमारे विद्यालय के टीचर्स ने बच्चों को मोटिवेट किया और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने घरों में गमले की मिट्टी से, खेत की मिट्टी से गणेश जी बनाए हैं। नेचुरल कलर है उनका। और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि हमारे यहाँ विद्यालय की बच्ची है शाहीन खान, इसने भी गणेश जी बनाए हैं, बहुत सुंदर। अभी गीले हैं, इसको कलर करने के बाद बहुत सुंदर लगेंगे। और दूसरी बच्ची जो अभी यहाँ मेरे पास लेकर आई है, ये है साक्षी गिरी, इससे भी सुंदर गणेश जी बनाए। ऐसे ही अधिकांश बच्चियां हमारे घरों में अपने परिवार वालों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग जो है मार्केट में पीओपी के मिलने वाले गणेश जी की स्थापना ना करें, या तो हम मिट्टी की बनाएं या फिर हमारे घरों में जो मंदिर होते हैं वहां पर जो गणेश जी होते हैं पीतल के या कांसे के, उन्हीं की स्थापना करके हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं।